नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। 50,000 के इनामी बदमाश दीपक सिद्धू को एनकाउंटर में लगी गोली। मेरठ जिले के टॉप 10 में शुमार था बदमाश। बदमाशों की लिस्ट में तीसरे नंबर का बदमाश था दीपक सिद्धू। जिला अस्पताल में घायल बदमाश का चल रहा है इलाज। पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ दीपक सिद्धू, सूत्र एसपी सिटी अखिलेश नारायण ने इसकी की पुष्टि। ये मेरठ से देवपाल सुरानिया की खास रिपोर्ट। भैया, लास्ट लिस्ट में शामिल था ये अपराधी, क्या ढेर हो गया? एक शाम को सूचना प्राप्त हुई थी, देर रात में एक लूट की घटना हुई थी। उसके बाद सारी पुलिस टीमें पहले से ही लॉकडाउन में क्षेत्र में लगी हुई थी। इस सूचना के बाद एक लूट हुई थी रोहटा थाना क्षेत्र और सरूरपुर में। देहात के पुलिस टीम सभी अधिकारी थे। सरूरपुर घटना के बाद पुलिस टीम लगी हुई थी। उस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और एक बाइक पर दो अपराधी थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। काउंटर फायर हुआ जिसमें एक को गोली लगी और दूसरा अपराधी जो है वहां से भागा। इसको और हमारे एक सब इंस्पेक्टर को भी इस दौरान गोली लगी। इनको दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया सीएससी, वहां से गंभीर हालत को देखते हुए वहां से रिफ़र किया गया, जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक अपराधी की मृत्यु हुई है और जो इसकी पहचान हुई है वो दीपक सिद्धू के नाम पर हुई है, जो कि जिले के टॉप 10 अपराधी में इस वर्ष 2020 में चिन्हित है और इस पे 50,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित है। ये एचएस भी है। इसके साथ साथ काफ़ी समय से पुलिस और वेस्टर्न यूपी बाकी टीमें इसकी तलाश कर रही थी। पहचान के बाद पता चला इसने कई सारी गंभीर घटनाएं, लूट, हत्या और डकैती की है, जिसपे 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से एक 30 की पिस्टल और एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है और एक बाइक बरामद हुई है। बाकी पुलिस टीम अग्रिम विवेचना कर रही है। सब इंस्पेक्टर ठीक है? जो सब इंस्पेक्टर थे उनको भी वहां से रेफर कर दिया गया था, उनका उपचार चल रहा है। जिला अस्पताल में जो अपराधी है उसका भी उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान अभी डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु घोषित की है, उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई है।